गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश सब्जेक्ट इन यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड योर न्यू चैप्टर 4 एंड टॉपिक इज एंड स्टोरी इज द एडवेंचर ऑफ एलिस आई होप यू हैव ऑल्सो लर्न्ड वेरी वेल एट होम टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज ओके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहाँ पे आपको क्या है एक क्वेश्चंस के पीछे तीन तीन ऑप्शन दिया गया है तीन ऑप्शंस में से जो सही है आपको उसको चूज करना है ओके तो पहला क्वेश्चन में क्या है एलिस लैंडेड इन अ लॉन्ग हॉल ऑन ए हीप ऑफ ड्राई क्या था ड्राई क्या था ड्राई लीव्स था स्वीट्स था फ्रूट्स था क्या था ना ड्राई लीव्स तो आपकी ऑप्शन होगा ए ठीक है नेक्स्ट क्या है शी टुक द डैश बैक टू द टेबल क्या रखे थे ड्रिंक की एंड केक क्या था तो ये होगा की ऑप्शन योर आंसर इज ऑप्शन बी ओके नाउ नेक्स्ट क्या है नंबर थ्री पे सी वॉश टू डैश टू गो थ्रू द डोर क्यों वो कैसे वो छोटे से दरवाजे के अंदर से वो कैसे जा गया क्योंकि वो बहुत छोटा हो गया था इसलिए वो जा सके तो आपके ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन ए स्मॉल हो गया था तो इसीलिए वो डोर के बीच में से जा सकते थे अभी नंबर फोर देन अ माउस केम डैश टूवर्ड्स हर तो उसके पास जो माउस आया था कैसे आए थे रीडिंग करते हुए डांसिंग करते हुए स्विमिंग करते हुए तो ऑप्शन इज योर आंसर इज ऑप्शन सी ओके तो ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नाउ आता है फिलअप्स नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिविंग वर्ड्स यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है इसमें कुछ वर्ड्स है इसी से आपको इस फिलअप्स को फिल करना है ओके फर्स्ट क्या है सडनली अ वाइट डैश विथ अ वॉच इन इट्स हैंड रैन पास्ट उसके पास अचानक क्या आया था व्हाइट कलर का वो रैबिट आया था है ना तो ये देखो यहाँ पे रैबिट लिखा हुआ है तो आपको भी यहाँ पे रैबिट लिखना है आपको दिख रहा है यहाँ पे रैबिट आप लिखोगे तो रैबिट विद अ वॉच इन इट्स हैंड रैन पास्ट नेक्स्ट एलिस वॉज सो टायर्ड दैट शी बिगेन टू डैश एलिस जब टायर्ड हो गया था तो उसके बाद वो क्या शुरू किया था ना क्राई रोना शुरू कर दिया था तो यहाँ पे क्राई होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा फिलिप्स ये होगा क्राई ओके नाउ नेक्स्ट आफ्टर ए व्हाइल शी हर्ड द डैश ऑफ फीट एंड अ वाइट रैबिट अपीयर्ड थोड़ी देर बाद एक पैर का आवाज उसको सुनाई दी और फिर वो रैबिट अपीयर हुआ था तो पैर की जो आवाज़ होता है उसको क्या बोलते हैं पैटर ये हियर द पैटर ऑफ फीट एंड आर वाइट रैबिट अपीयर्ड ओके नाउ नेक्स्ट द डोडो मार्क्ड आउट द डैश डोडो क्या मार्क किया था ना डोडो ने रेस कोर्स कहाँ से रेस शुरू होगा वहाँ उस जगह को वो मार्क किया था तो रेस कोर्स ये होगा आपका ऑप्शन ए आंसर रेस कोर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एवरी वन हैज डैश क्या होगा हर कोई क्या हुआ था हर कोई जीत गए थे तो एवरी वन हैज ओन ये होगा आपका ओन ओके तो फिलअप्स भी इसी बुक में करोगे एमसीक्यू भी इसी बुक में करोगे नाउ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट सही होगा आपको टी लिखना है जो स्टेटमेंट आपको गलत लगेगा वहां पे आपको फॉल्स लिखना है तो ये स्टेटमेंट आप तभी कर पाओगे जब तक आप इस चैप्टर को अच्छा से रीडिंग नहीं करोगे मीनिंग नहीं समझोगे तब ये ट्रू फॉल्स नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले मैं बोलूँगी सबसे पहले ये चैप्टर को अच्छा से रीड आउट करो उसको समझो अंडरस्टैंड करो उसके बाद इसको करो ओके चलो स्टार्ट करते हैं एलिस वॉज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक सही है ना गलत है एलिस कहाँ पे बैठे थे नदी के किनारे तो ये स्टेटमेंट सही है तो आप यहाँ पे टी लिखोगे ओके नाउ नेक्स्ट एलिस लैंडेड इन अ शॉर्ट हॉल ऑन ए हीप ऑफ वेट लीव्स एलिस कहाँ पे आके पहुँचा शॉर्ट हॉल में और वेट लीव्स के उधर जरिए नहीं तो एलिस
लैंडेड इन ए लॉन्ग हॉल, शॉर्ट हॉल नहीं था, लॉन्ग हॉल था, और लीव्स था ड्राई, वेट नहीं था. तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है. तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे. ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या है, द लेग्स ऑफ द टेबल वॉज टू स्लिपरी. ये स्टेटमेंट सही है क्या? यस, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रहा था टेबल के ऊपर चढ़ने के लिए उस टेबल की लेग के जरिए, लेकिन टेबल की लेग इतना स्लिपरी थी, वो बार बार वो नीचे आ रहे थे. तो ये स्टेटमेंट सही है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट, अ माउस केम स्विमिंग टूवर्ड्स हर. ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये भी सही है, क्योंकि जो माउस उसके पास आया था वो तैरते हुए आया था. तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है. ओके, यहाँ पे भी आप ट्रू लिखोगे. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. आपको एक साइड में कॉलम ए या कॉलम बी है, कॉलम ए के साथ कॉलम बी को आपको मैच करना है. चाहे आप नंबर डाल के भी आप मैच कर सकते हो, या आप ऐसा लाइन खींच के भी आप मैच कर सकते हो. ओके, तो गोल्ड की कहाँ पे रखा हुआ था? तो गोल्ड की रखा हुआ था ग्लास टेबल के ऊपर. लेकिन गोल्ड की किस लिए था? क्योंकि वो स्मॉल डोर की दरवाज़ा खुलने का वो गोल्ड की था. तो आप यहाँ पे लिखोगे द स्मॉलेस्ट डोर. तो आपका ए होगा, ई वन का जो है ये ई के साथ मैच होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्लास बॉक्स. ग्लास बॉक्स कहाँ थे आप बताओ? ग्लास बॉक्स जिसके अंदर एक टुकड़ा केक था वो अंडर द टेबल में था. तो वो टेबल के नीचे था. तो आपके दो नंबर सी के साथ मैच होगा. ओके, अभी लार्ज पूल कैसे बना था? क्योंकि एलिस जो रोने से उसका जो आंसू आया था उसी से उसकी लार्ज पूल बन गया था. तो यहाँ पे होगा टीयर्स. आंसू जो होता है ना उसको हम टीयर्स कहते हैं. तो नंबर थ्री डी के साथ मैच होगा. ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स. बहुत सारा एनिमल्स उस पूल के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं. तो मेनी, आप यहाँ पे फोर के साथ आप मैच करोगे ए. ओके, यहाँ पे लिखोगे फोर. नाउ नेक्स्ट, विनर ऑफ रेस. सब कोई तो उन रेस में जीत गया था. तो आप लिखोगे एवरीवन. तो सारे एक साथ वो जीत गया था, एवरीवन. तो एवरीवन विनर ऑफ रेस, यहाँ पे फाइव लिखना है. ओके, अब आता है ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले मैं एक बुक की जो एक्सरसाइज है मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ. अभी क्या है ना, अभी यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिया गया है और इस साइड में कुछ स्टोरी का नाम दिया है. तो आप मॉरल के साथ स्टोरी को मैच करना है. देखो, यू मस्ट हैव रीड दिस स्टोरीज, मैच द स्टोरीज नेम द विथ देयर मॉरल. ओके, यहाँ पे जो स्टोरीज है, यहाँ पे सारे स्टोरीज का नाम है और इसी स्टोरीज के जो मॉरल है ये इस साइड में है. आपको इस स्टोरीज के हेडिंग को पढ़ते हुए इसके साथ कौन सा मॉरल सूट होगा उसके साथ आप उसको मैच करना है. जैसे क्या है, द हेयर एंड द टॉर्टोइज. आपने ये कहानी सुना होगा, पढ़े होंगे, जे एक खरगोश और टॉर्टोइस का जो रेस लगाया था. तो उसमें क्या था, जे खरगोश इतना जोर से, मतलब फास्ट रनर है वो, सबसे ज़्यादा मैंने तेज दौड़ते हैं, है ना. तो उससे क्या है, स्लो कौन दौड़ता है? टॉर्टोइस. फिर भी टॉर्टोइस जीत गया था, विनर हो गया था. तो इसका मॉरल के साथ कौन सा मॉरल मैच होगा? नहीं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. हम लोग सोचते हैं क्या ना, जो धीरे धीरे चलता है, जिसके अंदर वो फास्टनेस नहीं है, वो हमेशा पीछे चल जाता है. लेकिन ये बात सही नहीं है. जो हम आगे को देख के हम जस्टिफाई कोई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. हम सोच सकते जी मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ गया, बहुत ज़्यादा सीख चुकी हूँ, बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ. ऐसा नहीं है. जो पीछे वाला लोग भी, जो लास्ट बेंचर्स है, वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं है. जो धीरे धीरे चलता है वो सबसे ज़्यादा आगे जाके सक्सेस होता है. तो ये होगा आपका, कहाँ पे होगा? ये वन इसमें होगा. ओके, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. अभी क्या, द लायन एंड द माउस. ये भी कहानी आपने पढ़े होंगे, जे एक लायन जंगल में कैसे शिकारी के फंदे में आ गया, फिर माउस आके उसको कैसे बचाया, ये भी आपने पढ़े होंगे. तो इसका मॉरल किसके साथ मैच होगा? विट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द साइज. हमने क्या सोचा था, कभी हमने सोच सकते थे जे एक छोटे से माउस लायन को क्या हेल्प कर सकते हैं? हमने तो ये सोचा ही नहीं है. जे माउस छोटे होने के बाद भी इतना शक्तिशाली, इतना जो किंग ऑफ द जंगल जो जिसको कहते हैं, उसको वो जंग उस फंदे से कैसे बचाया? तो ये होगा आपका
नंबर टू इसके साथ मैच होगा. ओके नाउ आता है नेक्स्ट द फॉक्स एंड द क्रो. इसमें कहानी क्या था, इस स्टोरी में क्या था ना, एक फॉक्स इतना मतलब क्लेवर फॉक्स था, वो जब देखा क्रो के मुंह में कोई खाने का टुकड़ा था, रोटी का टुकड़ा था, तो फॉक्स के दिमाग में एक सोच आया जे इसकी मुंह से मैंने खाना कैसे लूँ. तो उसको क्या बोला जे आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप एक बार मुझे गाना गा के सुना दो. तो क्रो ने तो बहुत अच्छा से उसको मन में आ गया, तो हाँ ऐसा मेरे बारे में अच्छा बोल रहे तो ठीक है. गाना गाने के लिए जैसे ही वो मुँह खोला, मुँह से उसका खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया और वो तो लोमड़ी खा लिया. तो ये जो है ना फॉक्स क्या था, बहुत ज़्यादा क्लेवर था, क्रो को कैसे बुद्धू बना. तो ये होगा नंबर थ्री में कि यू शुड नेवर लाई, मतलब गलत बोले थे ना, तो जो ये था लोमड़ी था गलत उसको बोले थे, झूठ बोल के उसके मुंह से खाना ले लिया था. तो ये होगा यू शुड नेवर लाई नंबर थ्री. द बॉय हु क्राइड उल्फ, ये कहानी भी पढ़े होंगे, तो ये किसके साथ होगा ना, बी केयरफुल अबाउट फॉल्स प्रेज. ओके अब आता है नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है. सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, जब हम वर्ड को एक साथ लिख के एक सेंस बनता है तब हम उसको एक बोलते हैं क्या, सेंटेंस. जब मीनिंगफुल सेंस होता है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसको पढ़ के आपको बोलना है ये सेंटेंस है या नहीं है. जो सेंटेंस आपको लग रहा है उसको आप टिक करोगे, जो सेंटेंस नहीं बना है उसको आप क्रॉस करोगे. माय मदर इज़ अ डॉक्टर, देखो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है तो आप इसको टिक करोगे. द डॉग इज़, देखो डॉग इज़ बोल के छोड़ दिया, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो आप इसको क्रॉस करोगे. नेक्स्ट वन डे द फायर, ये भी आधा बोल के छोड़ दिया, ये भी आप क्रॉस करोगे. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, ये देखो ये सेंटेंस कंप्लीट है तो आप इसको ये क्या करोगे, टिक करोगे. हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो ये भी आपसे पूरा एक सेंस बन रहा है तो ये भी एक सेंटेंस है तो आप इसको टिक करोगे. नाउ आता है रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है लेकिन इसको अरेंज करके नहीं लिखा, आपको उसको अरेंज करके लिख के एक कंप्लीट सेंस बना के सेंस करके आप उसको सेंटेंस बनाना है. टूक टू द टेबल एलिस द बैग की द, देखो ये तो बहुत सारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, सेंटेंस के तरह ही लिखे हैं लेकिन कोई सेंस नहीं हो रहा है तो आपको इसको सेंस बनाना है. तो क्या लिखोगे, इसी को आपको रीअरेंज करना है. एलिस टूक द की बैक टू द टेबल, अभी इसका एक सेंस बना, अभी एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट क्या है, डोर एलिस टू गो वॉज थ्रू द टू बॉल, इसको कैसे लिखोगे आप, एलिस वॉज टू टॉल टू गो थ्रू द डोर. ओके नाउ नेक्स्ट, केम टूअर्ड्स माउस एलिस स्विमिंग, इसको कैसे रीअरेंज करोगे, आ माउस केम स्विमिंग टूअर्ड्स एलिस. ओके नाउ नेक्स्ट, मार्क द डोडो कोर्स आउट रेस द, तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिखोगे, द डोडो मार्क्ड आउट द रेस कोर्स. ओके तो ये हो गया आपका सारे के सारे, इसी बुक के आपके अंदर करना है, फिलअप करना है, टिक करना है, मैच करना है, जो भी करना है सारी इसी बुक के अंदर करना है. नाउ आते हैं क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, अभी आज इतना था कि हम सारी बुक की एक्सरसाइज मैंने कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगी. ओके थैंक यू.